इस बीच राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बनने पर संजना जाटव खुशी से झूम उठी। चुनाव में हुई बड़ी जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ डांस किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा तेज हो गई, क्योंकि वो अपने समर्थकों के बीच ठुमके लगाती नजर आईं और समर्थक भी उनकी जीत के जश्न में डूबे दिखाई दिए। डांस करते हुए संजना जाटव के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। ये मौका ही कुछ ऐसा रहा कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज माने जाने वाले प्रत्याशी से हुआ। ऐसे में नतीजे आने से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को मात दे पाएंगी और शायद उन्हें भी इस जीत की उम्मीद नहीं रही होगी। संजना जाटव को कांग्रेस ने राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने रामस्वरूप कोहली को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्होंने रामस्वरूप कोहली को 51,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और संजना जाटव ने भरतपुर की लोकसभा सीट अपने नाम कर ली और इस जीत से वो देश की सबसे कम उम्र की सांसद बन गई, क्योंकि संजना जाटव की उम्र सिर्फ 25 साल है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। और बताया गया कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए जितने भी प्रत्याशी बनाए गए थे उनमें संजना सबसे कम उम्र की दावेदार थी। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को करारी शिकस्त दे दी और उनकी जीत से भरतपुर लोकसभा सीट चर्चा का केंद्र बन गई, क्योंकि भरतपुर लोकसभा सीट पर अपनी जीत हासिल करना संजना जाटव के लिए आसान नहीं था। इससे पहले वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कठुमर सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से हार गई थी, जबकि कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया और ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के क्षेत्र में सेंध लगाने का काम कर दिया, क्योंकि भजन लाल शर्मा भरतपुर इलाके से ताल्लुक रखते हैं। यानी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपने जिले में भी हार का सामना करना पड़ा और इसलिए भरतपुर सीट ने सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि रामस्वरूप कोहली के मुकाबले संजना जाटव राजनीति में इतनी अनुभवी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने धाकड़ उम्मीदवार को धूल चटा दी। अलवर जिले की रहने वाली संजना जाटव के पति राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं और वो अलवर में कांग्रेस जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं।